पे कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरा दोस्त 47% पे कनाडा चला गया, किसी सब्जेक्ट में या किसी सेमेस्टर में फेल भी हो गए हो, नो नीड टू वरी, आप अप्लाई कर सकते हो। अब बैकलॉग के साथ एलिजिबल नहीं हो कनाडा के लिए, आपको बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, माय सेल्फ हिमांशु, और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कनाडा में पढ़ने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अब यहाँ पे मैं तीन कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट इज आफ्टर 12th, द सेकंड वन इज आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड द थर्ड वन इफ यू आर डूइंग जॉब। एंड अगर आपके पास गैप है आफ्टर ग्रेजुएशन और आप जॉब कर रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू बी एलिजिबल टू गो टू कनाडा फॉर स्टडी, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, एंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो पड़े हैं आप उनसे कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द केस नंबर वन इज गोइंग टू कैनेडा आफ्टर 12th क्लास। अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है और आप सोच रहे हो कि कैनेडा में पढ़ने का, सो वॉट आर द डॉक्यूमेंट्स विच मेक्स यू एलिजिबल टू गो टू कैनेडा। द फर्स्ट थिंग इज 10th की मार्कशीट चाहिए आपको, 12th की मार्कशीट चाहिए आपको, आइल्स रिपोर्ट चाहिए अपनी, आइल्स विद एटलीस्ट 6 बैंड, नॉट लेस देन 6 इन ईच बैंड, 5.5 भी हो सकता है, बट यार आजकल थोड़ी स्टिकनेस हो गई, तो मेक श्योर कि आपके जो बैंड्स हैं वो 6 हों सब में। इसके साथ साथ आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, ऑब्वियसली आप पासपोर्ट के बिना आइल्स भी नहीं कर पाओगे, राइट। बात करते हैं परसेंटेज, यू नीड एटलीस्ट 50%, मोर देन 50%, राइट, आपको 50% तो चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरा दोस्त 47% पे कनाडा चला गया। अब दिक्कत ये नहीं कि वो 47% पे गया, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देगा इस परसेंटेज के ऊपर, बट द थिंग इज आर यू एलिजिबल टू गेट द वीज़ा ऑन दैट परसेंटेज, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके 47% है या 50% से कम भी है, यू कैन ट्राई, राइट, आप कॉलेज देख सकते हो, आप यूनिवर्सिटी देख सकते हो जो क्राइटेरिया में आप एलिजिबल हो रहे हो, मतलब जिनके रिक्वायरमेंट्स में आप एलिजिबल हो रहे हो, एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। सो दैट्स इट, सो दैट आर द थिंग्स दैट यू रिक्वायर आफ्टर 12th क्लास। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट केस विच इज़ आफ्टर ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 12th तक तो सेम रहेंगे, जो आपको 12th तक चाहिए थे वही वाले आपको ग्रेजुएशन में भी चाहिए। हाँ, यहाँ पे आइल्स में जो है वहाँ पे आपको ओवरऑल 6 बैंड चाहिए थे, यहाँ पे आपको ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए विद नॉट लेस देन 6 इन ईच बैंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आइल्स के अलावा यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो रहेंगे आपके मार्क्स कार्ड, हर एक सेमेस्टर का आपका मार्क्स कार्ड लगेगा विद ओवरऑल मार्कशीट भी लगेगी। इसके साथ साथ आपको डिग्री चाहिए होगी आपकी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया, राइट। अगर आप किसी सब्जेक्ट में या किसी सेमेस्टर में फेल भी हो गए हो, नो नीड टू वरी, आप अप्लाई कर सकते हो, जस्ट आपको एक बैकलॉग सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है आपको। हाँ, अब बैकलॉग के साथ एलिजिबल नहीं हो कनाडा के लिए, आपको बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद नो बैकलॉग सर्टिफिकेट लगता है टू गो टू कनाडा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ कॉलेजेस नो बैकलॉग सर्टिफिकेट मांगते हैं, अगर आपका बैकलॉग नहीं भी है तब भी, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखो। फिर एक और केस ग्रेजुएशन में आता है कि अगर आपका कोई गैप है, तो आपको ये पर्टिकुलरली वहाँ मेंशन करना पड़ता है कि आपने उस गैप में क्या किया। लेट्स अगर आपने कोई जॉब की है तो उस जॉब को आपको एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर 12th के बाद गैप है तो आपको, मतलब आपको गैप फिल करना है यार, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फर्स्ट ईयर किया उसके बाद एक गैप ले लिया एक साल का, उसके बाद आपने अगली मार्कशीट्स दिखा दी, ऐसा नहीं होगा, आपको कॉन्टीन्यूटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। सो दैट्स इट। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस विच इज़ यू आर डूइंग योर जॉब एंड यू वॉन्ट टू गो टू कैनेडा फॉर स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने लेट्स से कि 2020 में आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होगी एंड 2022 में आपकी जॉब लगी है, अब आपको वो दो साल को दिखाना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा कि आपने उन दो सालों में क्या किया है, कुछ भी, आपने किसी एनजीओ के लिए काम किया है, कोई डिप्लोमा कर लिया है, कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, मतलब कुछ भी किया, आपको वो फिल करना पड़ेगा उस गैप को। इसके साथ साथ जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरीज भी आ रही होगी, अब उस सैलरी की स्लिप्स जो होती हैं, सैलरी स्लिप आपको लगानी पड़ेगी, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी जिसमें पैसे आ रहे हैं, मतलब जिसमें सैलरी आ रही है, वो सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। बाकी आपको आइल्स तो चाहिए ही चाहिए, 6.5 बैंड ही चलेंगे, 7 हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। दैट्स इट यार, यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं या फिर आप अपनी जॉब के दौरान, मतलब जॉब करने के बाद जाना चाहते हैं, तो यही सब चीज़ें चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछिए, आई विल आंसर। इसके अलावा आप कॉलेजेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आप प्रोसेस कौन सा चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक आउट दिस वीडियोस विच विल हेल्प यू एंड प्रॉपरली गाइड यू यार। एंड इन वीडियोस को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप कनाडा जाने की कंडीशन में हैं या फिर नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, सबके साथ कर दो जो भी बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट दे विल गेट प्रॉपर गाइडेंस एंड
they will subscribe to my channel and that will motivate me to provide more informative videos in future. So that's it. Bye bye. Take care of yourself and all the best.